हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माई ऑफिशियल जोन तो आज हम लोग इस वीडियो में पर्सन टाइल रैंक करेंगे इससे पहले मैंने बी एड सेकेंड ईयर के जितने इंपॉर्टेंट मेडिकल के पार्ट्स है वो वन बाय वन यहाँ पे रोज एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उससे पहले मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेटर डेविएशन और आपका स्पियर का रैंक मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नहीं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के प्ले में जाकर देख सकते हैं अदरवाइज बी एड सेकेंड ईयर की एक सिंगल प्ले बना रखी है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की वीडियो एक ही प्ले में मिल जाएगी तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा पर्सनटाइल रैंक यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला है फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे तो फार्मूला किस तरीके से सवाल को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एग्जाम से पहले जितने इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों को यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और चलिए पर्सनटाइल रैंक देख लेते हैं यहाँ पे मैं आपको एक सवाल समझाऊंगी उससे मैं दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पेल पे रैंक का सबसे इजी फॉर्मूला है एल प्लस आर में हंड्रेड माइनस का एम अपॉन में एफ इंटू सी तो बेसिकली आप लोगों को जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल के पार्ट्स आ रहे हैं अगर आप लोग उसके फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो थोड़ा मेथड इजी हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि आप लोगों का जो एल है वो लोअर पार्ट आता है यानी कि परसेंटाइल रैंक का जो इंटरवल है उसका लोअर बाउंड देखेंगे हम लोग आर जो है वो हमारा परसेंटाइल रैंक का यहाँ पे शो करने वाला है एन जो है वो टोटल फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी जो होगी उन सबका आपस में टोटल करेंगे वो हमारा एन के आएगा एम जो होगा वो हमारा क्यूमिनिटी फ्रिक्वेंसी का शॉर्ट होगा एफ हमारे फ्रिक्वेंसी और सी मतलब क्लास की बिट देखेंगे यानी कि जो क्लास इंटरवल देखा है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले आप लोगों को क्लास इंटरवल दिया वैसे परसेंटाइल रैंक के और भी मेथड है सिंगल भी आता है लाइक अगर यहाँ पे मैंने फाइव टू फोर्टी भी लिखा होता तो भी ये मेथड होता है तो मैं आपको एक बार बता दूं आपके एग्जाम में जिस तरीके से आते हैं वो क्लास इंटरवल के तरीके से ही आते हैं इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यही वाला एग्जाम्पल लेकर आई हूँ ठीक है मैं आपको शो भी कर दूंगी दो तीन साल के पेपर में जो भी आपका पर्सनटेल रैंक आया है तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास इंटरवल में जैसे आप लोगों को यहाँ पे डिजिट दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी एंड देन आपको क्वेश्चन पूछ रखा होगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिक्स टू परसेंटेज या फिर सिक्सटी फोर्थ है तो आप लोगों को दो भी पूछा जा सकता है तो डायरेक्ट वहाँ पे लिखा होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पी सिक्सटी फोर आपको बताना है तो ऐसे ही कोई भी दो भी पूछ सकता है मैंने यहाँ पे एक आपको बता दे रही हूँ देन आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है सबसे पहले हमें फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लेना है जिससे कि हम टोटल निकालेंगे तो जो हमारा यहाँ पे टोटल आया है नाइनटी टू ये हमारा क्या हो जाता है एन ठीक है तो टोटल कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्यूमिटी फ्रिक्वेंसी जिससे हम लोग यहाँ पे सी एफ कह रहे हैं ठीक है और यहाँ पे इसको हम लोग जो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे फॉर्मूला में वो क्या होगा हमारा एम होगा तो सी एफ हमारा कितना होगा एम सी एफ निकालने का सबसे तरीका है कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसका पहले डिजिट आपको उतारनी है एंड देन नीचे वाली डिजिट से आप लोगों को उसे प्लस करते जाना है तो सिक्स था मैंने यहाँ पे सिक्स लिख दिया प्लस है यहाँ पे नाइनटीन है सिक्स प्लस नाइनटीन इसे करू मैं ट्वेंटी फाइव उसके बाद 25 को उतारा 13 से प्लस किया 38 38 को नीचे उतारने के बाद सामने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उससे हमें प्लस करना है तो प्लस ट्वेंटी इजिकल टू में कितना आएगा 58 58 में हम लोग 12 को प्लस करेंगे तो 70 आएगा 70 को इस तरीके से 11 तो इजिकल टू में 81 वन एटी वन में सिक्स प्लस करने से आ रहा है नाइन्टी सेवन और एटी सेवन से प्लस फाइव करेंगे तो नाइन्टी टू सी एफ निकालने का एक बेनिफिट है सीएफ निकालने का लास्ट डिजिट जो होगी वो हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी के लास्ट डिजिट से मैच होने चाहिए अदरवाइज अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट का यहाँ पे मैच नहीं होता है तो अपने सवाल को वहीं से दोबारा से रीचेक करें से आगे ना बढ़े नहीं तो सवाल आपका वैसे भी गलत हो जाएगा तो चेक करना कि सीएफ का लास्ट डिजिट जो होगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए तो इसका मतलब आप लोग की कैलकुलेशन वहां पे सही है तो ये आपका पहला और दूसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया पहले आपको फ्रिक्वेंसी का टोटल करना फिर तो उसके बाद सीएफ है तो चलिए उसके बाद हम लोग फार्मूला देख लेते हैं फार्मूला जिस हिसाब से मैंने आपको बताया तो फार्मूले में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्मूला मैंने हाँ पे बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है पी सिक्स इजिकल टू मै एल प्लस आर एन माइनस एन अपॉन माई हंड्रेड एफ एन टू सी यही वाला फॉर्मूला है ये जो मैंने यहाँ पे उतार दिया ठीक है तो हम लोग सबसे ईजी करेंगे कि पहले जो भी फॉर्मुला के अकॉर्डिंग डिजिटल्स में हम लोग क्या क्या डिजिटल से वन बाय वन कर लेंगे तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस में करके दिखा दे रही हूँ जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए एल है एल हमारा कितना है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन कैसे आया जैसे कि आप लोग को देख सकते हैं कि हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या पूछी है उसने कि आपको पर्सेंटेज सिक्सटी फोर की निकालनी है तो सिक्सटी फोर की निकालनी हमें पता है कि सिक्सटी फोर फिफ्टी एट और सेवेंटी के बीच में ही आएगा इसलिए हम लोग जो डिजिट लेंगे वो सेवेंटी वाली लेंगे तो सेवेंटी का क्लास इंटरवल कितना है ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फाइव तो लोअर पार्ट कितना हो गया हमारे यहां पे ट्वेंटी वन ठीक है उसके बाद जो हमारा निकालना है आर आर हमारा सिक्सटी फोर आ रहा है आर हमारा सिक्सटी फोर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आर जो होता है वो क्या होगा हमारा परसेंटाइल रैंक और हमें सिक्सटी फोर का ही परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए बोला है इसलिए हम लोग आर कितना रखेंगे यहाँ पे सिक्सटी फोर यहाँ पे एन निकाला है मैंने नाइन्टी टू अब ये नाइन्टी टू कहाँ से आया ये भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं एन जो था मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना आया था नाइन्टी टू एंड देन यहाँ पे देखेंगे एम हमारा फिफ्टी एट है फिफ्टी एट इन द सेंस एम जो हम सी एफ का यहाँ पे इंडिकेट करते हैं तो जो भी आप लोग का क्लास इंटरवल आया है उसके जस्ट ऊपर वाली डिजिट जो होती है वो हमारे यहाँ पे एम यानी सी एफ निकालेंगे याद रखना उसके ऊपर वाली आपके सीएफ काउंट की जाती है ठीक है उसके बाद एफ आएगा तो एफ कितनी लिखी गई हमने ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फाइव का लिया है क्योंकि सिक्सटी फोर का परसेंटाइल पूछा है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है ट्वेल्व तो इसका एफ कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे ट्वेल्व सी मतलब क्लास इंटरवल बताया था हमने क्लास इंटरवल लिया है ट्वेंटी फाइव तो ऑब्वियस सी बात है ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी वन अगर इसका गैप देखेंगे तो कितने का आ गया फोर तो ऑब्वियस सी बात है सी कितना काउंट हो गया हमारा यहाँ पे फो तो इस तरीके से मैंने सारी डिजिट यहाँ पे एक तरफ लिख ली जिससे सबसे ईजी हो जाए एंड देन मैं अभी यहाँ पे आपको सवाल में आप लोग को वन बाय वन पुट करना है क्योंकि परसेंटाइल सी आप लोगों को सिक्सटी फोर का निकालना तो है तो पी सिक्सटी फोर लिखिए उसके बाद यहाँ पे एल जो है आप लोग वन बाय वन डिजिट पुट करनी है एंड देन आपको सॉल्यूशन निकालना है कि ट्वेंटी वन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इसको इंटू करना उसके बाद यहाँ पे हंड्रेड से माइनस फिफ्टी एट हो गया एंड देन इसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे वन बाय वन सॉल्यूशन करते जाना है तो ये थ्री कहां से आया है? मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस से कट कर दिया था ठीक है और इन लोगों को सॉल्व करने से जीरो पॉइंट एट एट आ रहा था तो पी सिक्सटी फोर कितना आ रहा है ट्वेंटी वन पॉइंट टू नाइनटी थ्री तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ सिक्सटी फोर परसेंटाइल जो आ गया वो आपका आंसर आ गया ट्वेंटी वन पॉइंट टू नाइनटी थ्री तो इस तरीके आप से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते से दो परसेंटाइल पूछी जाती है और सेम मेथड आपको करना है क्योंकि आप लोगों ने सीएफ निकाल लिया बस आपको ये देखना है कि दूसरी डिजिट कौन सी हो सकती है अगर आप में से काफी स्टूडेंट चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट आए उसकी एक सिंगल वीडियो बना दू तो कमेंट जरूर कीजिएगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल के पार्ट्स की एक सिंगल वीडियो एग्जाम से पहले ले वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना सब्सक्राइब भी करना है चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आपका पर्सन के क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये प्रीवियस ईयर का एक पेपर है जिसमें आप लोगों का पर्सन का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें इस स्टार्टिंग बताने की पर्सन टाइल क्या होता है देन आपको देखेंगे तो जो आपको न्यूमेरिकल का पार्ट दिया हुआ है उसमें पी थर्टी और पी सेवेंटी का यहाँ पे पूछा गया है तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट करा रही हूँ थ्योरी के लिए एक सिंगल वीडियो लेके आऊंगी उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसमें आप लोगों के असेमेंट फॉर लर्निंग के जितने भी थ्योरी पार्ट है वो एक वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल पार्ट पे आप देख सकते हैं पी और पी है तो जिस तरीके से आपने अभी सवाल समझा है तो आप कोशिश कर सकते हैं होमवर्क के नाम पर आप लोग ये क्वेश्चन ले लीजिए अदरवाइज आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या तो उस तरीके से आपको कमेंट करना है अदरवाइज इसका आंसर जो भी आएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है इसको जो भी आप लोग आंसर लिखेंगे वन इंडिकेट कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर जिससे कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर निकालेंगे अगर मैच हो गया इसका मतलब आप लोग का सही आ रहा है ठीक तो उसमें पी यहाँ पे थर्टी और पी सेवेंटी निकालना है तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी करनी है ठीक है बेसिकली आप लोगों को पहले सारी फ्रिक्वेंसी को टोटल कर लेना है एंड देन यहाँ पे आप लोगों को सी एफ निकालना है डोंट फोगेट कि आप लोगों को जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है आप लोगों को मैक्सिमम फार्मूला ही याद रहना चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रही हूँ अगर काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे अगर रिवाइज हो जाए ठीक है एल आएगा आर एन अपन में हंड्रेड माइनस का एम और इसके बाद आपका हो जाएगा एफ़ और इसके बाद हो जाएगा ये इन का सी ठीक है मल्टीप्लाई आएगा तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला है नेक्स्ट वाला दिखा देती हूँ किस तरीके से पूछा गया था एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का ये रहा जिसमें आप लोगों को पूछा गया था कि वट डू यू मीन बाय परसेंटाइल सेम ही है पी थर्टी पी सेवेंटी निकाला है बट इसका परसेंटाइल आप लोग देखेंगे तो क्लास इंटरवल वाला फ्रीक्वेंसी अलग दे रखी है तो सेम चीज़ इसी में भी आपको करनी है फिर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसका टोटल कर लीजिएगा टोटल जो होगा वो हमारा के लाएगा ठीक है जितना भी आएगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है सी एफ निकालना है बस यही मेथड करना है फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा तो आप लोग इस सवाल को इजीली निकाल लेंगे तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी ठीक है नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को मिलती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो भी आंसर लिखे के के कमेंट में बताएंगे तो उसको सेकेंड नंबर क्वेश्चन का इंडिकेट कीजिएगा और अपने कमेंट में कोशिश कीजिए कि दोनों सवाल के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग